Hello everyone. This is Ashish Jain. In the last video lecture of the mutual fund concept, we have covered the theoretical concept, like we have done basic of mutual fund, like what is mutual fund, how it is that link with the equity equity share market, and like what are the various types of mutual fund, like mutual fund basically depends on their on their करेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज दिन ऑब्जेक्टिव सो ना इन दिस कवर सम प्रैक्टिकल पोर्शन ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग टू इनवेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड यूज लुक फॉर द रिटर्न सो यू नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न इन म्यूचुअल फंड सो यहाँ पर हम देखेंगे कि रिटर्न कैसे रहते हैं कौन कौन से तरीके रिटर्न होते हैं क्योंकि देख जैसे हमने लास्ट एक वीडियो लेक्चर देखा था कि इन्वेस्टमेंट मोड अलग होते हैं लाइक like, लमसम का अलग एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दैट इज एस उसके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो देन तो आपके जो तो रिटर्न है जो क्या कर, कहते हैं कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो भी आपका मोड अलग हो जाएगा ठीक है प्लस वी नीड वी नीड ऑल् वी नीड ऑल्सो नो कि भी लाइक like, so that we can take our optimal decision in mutual fund see first of all the question arises why do we invest we invest to beat the inflation rate suppose in a current scenario the inflation rate is 7% and suppose uh, you have deposited your money in the saving bank account and what, what, what return you are getting hardly 4% so the difference of 3% that is uh, योर मनी वैल्यू इज डिक्रीजिंग बिकॉज यू आर गेटिंग फोर परसेंट एंड द इन्फ्लेशन रेट इज सेवन परसेंट सो जो तीन परसेंट का जो गैप है दैट मीन्स उस थ्री परसेंट से आपकी मनी की वैल्यू जो है वो कम हो रही है सो so, आपको ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है सो दैट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू बीट योर इन्फ्लेशन रेट एंड देन टारगेट योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ठीक है सो इन्वेस्टमेंट का देखिए हमेशा दो ऑब्जेक्टिव होता है फर्स्ट वन इज टू बीट द इन्फ्लेशन रेट ठीक है एंड देन जो भी आपका ओवरऑल और, 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 और जो आपने रिस्क एसोशिएट उसके साथ है तो उसके जितना ज़्यादा रिस्क होगा रिस्क रिटर्न भी होगा ठीक है तो उसके हिसाब से रिटर्न अलग कैलकूट होता है तो आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड में रिटर्न जो है कैसे कैलकुलेट होता है देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक कंसर्ट पढ़ा था दैट इज एक हमने टर्म पढ़ी थी समझा नहीं था एक टर्म पढ़ा था दैट इज कॉल्ड एन ए वी एन ए वी की फिल्म क्या है दैट इज़ नेट एसेट वैल्यू मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर बताया था कि मैं इसको आपको बाद में बताऊँगा बिकॉज अगर मैं आपको पहले ही बताया था तो बहुत कुछ होचप होता था सो इट्स बेटर टू क्लियर ऑन अ सेपरेट लेक्चर वीडियो सो आइए पढ़ते हैं एन ए वी क्या होता है इट इज़ बेसिकली आपको अच्छा सा पता है कि बेसिकली द रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड प्योरली बेस्ड ऑन नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ म्यूचुअल फंड जैसे देखिए आपको मैंने लास्ट लेक्चर वीडियो में बताया था कि जैसे शेयर मार्केट जैसे इक्विटी शेयर होता है अगर कोई इक्विटी शेयर जैसे लिस्टेड होता है ठीक है तो वो लॉन्च होता है ऑन द बेसिस ऑफ आई पी ओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर सिमिलरली जब कोई म्यूचुअल फंड मार्केट में लॉन्च होता है तो वो किसके तो थ्रू होता है दैट इज एफ पी ओ ठीक है एफ पी ओ तो उसके थ्रू होता है सॉरी एन एफ ओ न्यू फोलियो ऑफर एन एफ ओ न्यू फोलियो ऑफर उसके थ्रू लॉन्च होता है तो हर सबकी एक म्यूचुअल फंड की अपना एक बेस रेट होता है यानी कि किस प्राइस पे वो लॉन्च होगा वैसे तो वो नॉर्मली टेन परसेंट बेस रेट पे होता है जैसे देखिए इक्विटी शेयर मार्केट उसकी फेस वैल्यू टेन रुपीज होती है ऐसे म्यूचुअल फंड की जो बेस प्राइस यानी कि जो फर्स्ट होती है फेस वैल्यू कितनी रुपीज टेन और वही उसकी एन होती है द क्वेश्चन अराइज हाउ टू कैलकुलेट एन या फिर नेट एसेट वैल्यू देखिए एन कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है

अब एसेट देखते हैं एसेट का मतलब क्या है टोटल एसेट्स का मतलब क्या है देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल कम हैदर वो एक्चुअली इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर फंड दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड दे कम म्यूचुअली ठीक है दे कम म्यूचुअली एंड देन दे ऑल देर इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर फंड इनिकुलर बिकम्स म्यूचुअल फंड अब वो पैसा जाता कहाँ पर है ऑल मनी डायरेक्टली गोज टू फंड मैनेजर और फंड मैनेजर करते हैं दे बेसिकली डाइवर्सिफाई आर इन्वेस्टमेंट मनी इन टू डिफरेंट सेक्टर जैसे लास्ट लेक्चर बताया था फार्मास्यूटिकल हो गया ठीक है वेरियस इंडस्ट्रीज हो गया मैन्युफैक्चरिंग हो गया ठीक है आई सेक्टर हो गया ऐसे अलग अलग सेक्टर में डिवेंचर्स हो गए गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए उन सब में हमारा पोर्टफोलियो बन जाता है और वो डाइवर्स करते हैं और रेगुलर उसको मॉनिटर करते हैं ठीक है तो जो मान लीजिए कुछ लोग आए उन्होंने मिलकर एक साथ मान लीजिए दस करोड़ रुपए इकट्ठे किए और एक फंड में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए और वो क्या बन गया म्यूचुअल फंड तो दस करोड़ जो लोगों ने लगाए एक तो वो एसेट में काउंट हो गया प्लस उस पर ऊपर जो प्रॉफिट होगा मान लीजिए दस करोड़ के एक एक करोड़ और प्रॉफिट हो गया तो कितना हो गया ग्यारह करोड़ तो वो क्या हो गया मैं क्या टोटल एसेट अच्छा याद रखना टोटल एसेट में वो भी आएगा डेट भी आता है और इक्विटी दोनों आता है यानी कि जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया हो चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो चाहे वो सिंपल डिवेंचर्स हो ठीक है चाहे वो इक्विटी मार्केट हो कहीं पर भी इन्वेस्ट किया हो उसकी ऑल ओवर जितनी भी वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड द टोटल वैल्यू एसेट्स टोटल एसेट्स ठीक है ना कम टूट दार्ट ऑफ आउटसाइड लाइविटीज आउटसाइड लाइविटीज इन देंस जो भी खर्चा है डेली बेसिस पे जो भी खर्चा होता है देखिए जो फंड मैनेज होते हैं देखिए उनको रेगुलरली मॉनिटर करना होता है सारा डेटा उनको निकालना होता है ठीक है तो उनका खर्चा भी होता है कमीशन भी होता है सो ऑल ओवर जितने भी उनके कुछ आउटसाइडिंग एक्सपेंसिज होते हैं तो जितने भी खर्चे सब कुछ ऐड कर दो वो क्या बनाते हैं आउटर लाइवीज ठीक है सो टोटल एसेट्स में से लाइव कर दो दैट विल बिकम नेट एसेट ठीक है अब बात करते हैं डिनोमीटर पार्ट की दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग सिंपल है देखिए मान लीजिए एक एन मान लीजिए टेन रुपीज है ठीक है आपने उसकी वन थाउजेंड यूनिट परचेज कर ली दैट मीन्स यू हैव इन्वेस्टेड रुपीज टेन थाउजेंड या कैसे समझ लो आपने इन्वेस्ट किए टेन थाउजेंड एन एम कितनी है टेन सो टेन थाउजेंड डिड बाई टेन दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होल्ड बाई यू दैट इज दैट इज वन थाउजेंड सो दैट इज दी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सो जब काफ़ी लोगों ने एक साथ जब पैसा जहाँ पर इन्वेस्ट किया है उस पर्टिकुलर फंड में ठीक है उन सब हमने जितने भी यूनिट होल्ड करके रखी हुई है विच बिकम्स टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग ठीक है सिंपल है सो टोटल एसेट्स माइनस आउट लाइविटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग ठीक है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग दैट इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ यूनिट्स होल्ड बाय द इन्वेस्टर्स ठीक है तो याद रखना म्यूचुअल फंड में अगर रिटर्न कैलकुलेट करना है पहले आपको नजर किस पर रखनी है NAV दैट इज नेट एसेट वैल्यू आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल टिल नाउ नाउ कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट कि अब उसके रिटर्न जो है हम कैसे कैलकुलेट है देखिए जब मैं अभी मैं आपको जो एक्सेल शीट दिखाने जा रहा हूं उसमें मैं आपके दो कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन इज हाउ टू कैलकुलेट एनवी एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन द लमसम अमाउंट एंड द एस आई पी तो देखिए यहाँ पर पहले हम लेफ्ट साइड पे आते हैं लमसम अमाउंट पे लमसम क्या होता है दैट इज जब कोई इन्वेस्टर एक साथ एक टाइम पे सब सब कुछ इन्वेस्ट कर देता है मतलब एक टाइम पे एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है सो इन्वेस्टर बेसिकली गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी हाउ मच अमाउंट दैट इज रुपीज वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड ऑन दिस डेट द एन एवी वॉज दैट इज़ ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सेवन मीन्स जो इन्वेस्टर किसी भी फंड में अभी मैंने कुछ नाम लिखा कोई भी फंड हो सकता है उस एन एन ए वी की इस डेट पे जो करंट उस टाइम पे जो एन ए वी की वैल्यू थी कितनी थी, थी वो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सेवन उसने कितना इन्वेस्ट किया दैट इज़ रुपीज़ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड so, सो उसके पास कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आई अमाउंट डिवाइडेड बाय एन ए वी देखिए मैंने वही यूनिट्स कैलकुलेट करी है देखिए बी सिक्स डिवाइड बाई से सिक्स दैट इज़ फोर थाउजेंड टू हंड्रेड सो यी कैन नंबर ऑफ यूनिट्स होल्ड बाय द इन्वेस्टर्स अब उस इन्वेस्टर का था कि भी मैं उसको एक साल बाद उसको रिडीम करना है दैट मीन्स जस्ट आफ्टर अ वन ईयर दैट इज़ ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और उस टाइम पे उसकी करंट जो एन ई व्यू है फोर्टी एट पॉइंट सेवन सिक्स विच इज़ ए ह्यूज गैप काफ़ी काफ़ी बढ़ गया एक साल में अब इसका देखिए अब हाँ, टोटल कैसे जानेंगे के उसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या होगी देखिए वन ट्वेंटी तो इस पर थी हमें हाँ, तो इस पर कल करनी है ठीक तो है तो देखिए कैसे गल करेंगे उस पहले देखेंगे उसने कितने यूनिट्स होल्ड की हुई है कितने होल्ड की हुई है दिस वन इसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट एन कितनी है फोर्टी एट पॉइंट सेवन सिक्स इट सो दैल्यू ऑफ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ना कम्स टू टू लैक फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सो गेन कितना हो गया द रिडम्शन वैल्यू माइनस द इन्वेस्टेड वैल्यू दैट इज द गेन दैट इज एटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एंड टू I think this is very simple. Now come to the right side. That is, if the investor is going is basically investing by SIP. That is in systematic investment plan. So पहले तो सिंपल क्या कर करना है कि वो जब जब invest कर रहा है तब उसके पास कितनी कितनी unit आ रही है। देखिए उसने first April 2020 को उसने कितना invest किया रुपीस 10,000 at this NAV. तो कैसे करना है equal to अमाउंट इन्वेस्टेड बाई इन्वेस्टर डिवाइडेड बाई एन एफ दैट पीरियड सो दैट मीन्स यूनिट कितनी हुई उस टाइम भी उसकी दिस वन सो हर बार वो टेन थाउजेंड इन्वेस्ट कर रहा है मंथली ठीक है देखिए एसआरपी का मतलब है रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहे मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो चाहे सेमी एनुअली हो ठीक है और वो इक्वल अमाउंट से इन्वेस्ट कर रहा है सेम डेट पर कर रहा है ठीक है बस चेंज क्या हो रहा है एन ए वी ऑब्वियसली एन ई वी किस बेसिस डाउन किस पे किस बेज पे होगी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ठीक है तो मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ तो देखिए टोटल यूनिट्स होल्ड बाय दैट इन्वेस्टर कितनी हुई थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी टू हो जाएगा ठीक है अब वो रिडीम कब करना चाह रहा है दैट इज़ ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन उस टाइम की करंट एन ई वी कितनी है फोर्टी एट पॉइंट सेवन सिक्स ठीक है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी देखिए इक्वल टू उसकी कितनी यूनिट्स उसने होल्ड की हुई है दिस वन मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स पे वो सेल ऑफ कर रहा है दिस वन प्रेसेंटर तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वन लैख फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवन ठीक है तो यहाँ पर गेन कितना हो गया रिडम्शन वैल्यू माइनस इन्वेस्टेड वैल्यू कितना था उसने कितना किया दिस वन वन ट्वेंटी ही किया उसने so that is the amount of gain would comes to thirty two thousand five hundred and seventeen देखिए last lecture video वीडियो में मैंने बताया था कि you must always give प्रफरेंस to एस आई पी दैट इज़ सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट अब आप बोलो कि सर एस आई पी में क्यों अभी आपने बताया लम्पम में देखो यहाँ पर हमें गेंद ज़्यादा हो रहा है इस कम्प्यूटर से भी देखिए ये मैंने सिर्फ एक हाइपथेटिकल एग्जाम्पल लिया है अगर आप यहाँ पर आप एन को ध्यान से देखो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप सब देखो जो कि पॉसिबल नहीं है मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है क्या पता डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हो अगर मान लो ये केस डिक्रीजिंग ऑर्डर हो यानी कि रिवर्स सिचुएशन हो तो यहाँ पर गेन ये क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा ये भी लॉस हो जाएगा ठीक है सो दैट मीन्स इस केस में आपका प्रॉफिट आपका लॉस कम होगा और इस केस में आपका लॉस ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ऐसा भी में क्या होता है आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है ठीक है प्लस इसमें देखिए सेविंग की सेविंग हो जाती है एक हैबिचल बन जाती है सेविंग करने की प्लस आपको एक रेगुलरली आपको एक कंपाउंडिंग वे में आपको रिटर्न भी इजीली मिलता रहता है ठीक है सो so, ये पार्ट था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लमसम और एस आई दैट मीन्स हाउ टू कैलकुलेट एन एवी एज वेल एज हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गेन अब बात करते हैं हम रिटर्न के बिकॉज हम तो रिटर्न ऑन किस पर कैसे करते हैं कैलकुलेट इन परसेंट में देखिए अगर आप इन शॉर्ट देखिए मीन्स ब्रॉडली टर्म में तो हमारे पास दो ही टाइप के जो है रिटर्न होते हैं फर्स्ट वन इज़ सी ए जी आर एंड नेक्स्ट वन इज़ एक्स आई आर आर दोनों के जो रिटर्न हैं वो डिपेंड करते हैं इन्वेस्टमेंट मोड सो फॉर so, एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि आप जो है ए वन लाख रुपीज़ आज आप मुझे दे दो ठीक है दस साल बाद में आपको उसका डबल अमाउंट दे दूंगा दैट मीन्स आप मुझे आज आप एक लाख रुपये दो दस साल बाद मैं आपको दो लाख रुपये दे दूंगा आपने बोला हो गया डबल दस साल में डबल बट दिंग इज क्या आपको जो इससे जो रिटर्न मिला इज सफिशेंट बिकॉज मैंने अभी आपको बताया द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दैट इज टू बीट द इनफ्लेशन रेट एंड सेकेंड वन इज दैट इज आर यू गेटिंग योर रिटर्न एज पर योर एक्सपेक्टेड और नॉट हो सकता है आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ट्वेंटी परसेंट हो अब आप हर साल एक लाख रुपये में बीस बीस परसेंट एड करो तो आप देखो आप दो आपके दो लाख कब होते हैं क्या वो दस साल से पहले होते हैं कि दस साल के बाद होते हैं अगर वो दस साल से पहले हो रहे हैं तो दैट मीन्स आपको जो मैंने जो आपको जो ऑप्शन दिया है यो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे लेकिन वही अगर प्लान अगर दस साल बाद हो रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे ठीक है अभी थोड़ा हो सकता है आपका माइंड में थोड़ा कुछ बातें जो है सबके ऊपर से जारी होंगी कोई बात नहीं अभी हम इसको सब क्लियर कर लेंगे पहले हम सी समझते हैं देखिए 2015 में मान लीजिए आपने वन लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए एंड आफ्टर सिक्स ईयर यू आर गेटिंग रुपीज़ वन लाख एट्टी थाउजेंड ध्यान से समझिए आपने 2015 में वन लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए एंड आफ्टर सिक्स ईयरस यू आर गेटिंग रुपीज़ वन लाख एट्टी थाउजेंड ठीक था। है अब इसकी वैल्यू देखिए इंक्रीज हो रही है किस तरीके से आप ध्यान से देखिए पहले कितनी वन फिफ्टीन दैट इज़ फर्स्ट ईयर आपको कितना रिटर्न मिला फिफ्टीन परसेंट आपको रिटर्न तो कैलकुलेट करना होता होगा कैसे करना है वन लाख फिफ्टीन माइनस वन लैख डिड बाई वन लैख देट इज़ इक्वेन परसेंट दैन दिस वन वन लाख ट्वेंटी फोर माइनस वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड डिड बाय वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है देखिए आप अगर ध्यान देखो ये हो क्या रहा है पहले आपने वन लाख फिफ्टी इन्वेस्ट किए एक सब बात उसकी वैल्यू कितनी वन फिफ्टीन आपने इसको रिडीम नहीं किया आपने उसको होल्ड पर रखा ठीक है और ये हो गया वन ट्वेंटी फोर तो ये क्या आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट आ गया ठीक है वही है ये कंपाउंडिंग ही है, है। आइए मैं आपको थोड़ा इसको ध्यान से मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ सी ए जी आर दैट इज कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट देखिए होता क्या है कि आपने बचपन में एक प्रो, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपने क्या पढ़ा होगा इसका देखिए आप आपने ये पढ़ा होगा दैट इज ए इक्वल टू पी वन प्लस आर ब्रैकेट में एन यही पढ़ा था ये ए क्या है दैट मीन्स जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला अमाउंट और ये पी के जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने आज इन्वेस्ट किया तो मैं इसको फ्यूचर वाली लिख सकता हूँ और इसको हम प्रेजेंट वाली लिख सकता हूँ ठीक है अब हमें क्या निकालना है ये आर निकालना है बेसिकली हमें बेसिकली ये आर निकालना है कैसे निकालना है सिंपल है पहले मैं फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू को इधर ले जाता हूं वन प्लस आर ब्रैकेट में एन इसके बाद एन को मैं इधर ले जाता हूं ये हो जाएगा वन बाय एन दट इज इक्वल टू वन प्लस आर And the last one is FV divided by PV 1 by N minus 1 equal to R. So this will be your CAGR.

तो ये आपका देखिए एनुअली इतना आपको रिटर्न मिल रहा था कंपाउंडेड आपको कितना मिल रहा था प्रेजेंट वैल्यू कितनी देखी यानी कि आपने कितना इन्वेस्ट किया वन लाख फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी वन एटी थाउजेंड यहाँ पर दो टर्म है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रिटर्न रिटर्न एंड दैट इज़ नथिंग जो आप बचपन से फोन में पढ़ता है वही है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था और अब कितना मिला टोटल रिटर्न देखिए इक्वल टू कितना आपने कितना आपको रिडीम कितना मिला अमाउंट दिस मच अमाउंट आपको मिला माइनस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस दैट्स इट एट्टी परसेंट मिल गया ऑब्वियसली देखिए वन लेख के वन एट्टी थाउजेंड हो, हो गए तो कितना रिटर्न मिला आपको एट्टी थाउजेंड सॉरी एट्टी परसेंट सो दैट इज कॉल्ड एप्सलू रिटर्न बट दिस विल नॉट गिव यू एंड ट्रू मीनिंग एक ट्रू वैल्यू नहीं आप सी ए जी आर क्या है अब हर साल आपको किस किस बेसिस उसका एवरेज हमें एवरेज निकालने की जरूरत क्या है वैसे आप ध्यान से देखिए अगर आपको एवरेज निकालने की जरूरत क्या है देखिए सीधी सी बात है मान लीजिए मैं एग्जाम्पल हूँ भाई बिजनेस है देखिए बिजनेस में देखिए ग्रोथ किस तरह इस तरह से ग्रोथ होती रहती है ठीक है मैं बोलूं कि भाई एक साल में आठ परसेंट मिला फिर तो उसके बाद दस परसेंट मिला फिर पंद्रह परसेंट मिला फिर बीस परसेंट मिला फिर तीस परसेंट मिला ठीक है ये हर साल देखिए सेल बढ़ती जा रही है ठीक है इतना इतना परसेंट मिला तो आप क्या सोचोगे हाँ डेट इज सेल की ग्रोथ तो हो रही है एवरी ईयर बट क्या ये एक सफिशेंट मतलब एक जो एक्सपेक्टेड सेल रिटर्न हो एक्सपेक्टेड ग्रोथ होनी चाहिए क्या वो आपको ये डिफाइन कर रहे हैं नहीं आप बोलो कि नहीं यार ऐसा कम करो इसका एवरेज बता दो हम उससे समझ जाएंगे कि आपको एक एब्सोल्यूट टर्म में आपको सिर्फ एक सिंगल रिटर्न बता दो कि हर साल आपकी एवरेज ग्रोथ कितनी हो रही है इसलिए हम इसको बोलते हैं सी ए जी आर ठीक है तो वही बात हो रही है पर आप। यहां पर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली जो हर साल आपको ये जो रिटर्न मिल रहा है फिफ्टीन परसेंट एट परसेंट माइनस फाइव परसेंट फोर्टीन परसेंट इलेवनसेंट ट्वेंटी परसेंट इन सबका एवरेज कैसे निकालना है देखिए मैंने आपको फॉर्मुला भी बताया था फॉर्मूला क्या बताया था मैंने देखिए आप अभी अभी भी मैंने आपको बताया था यही फॉर्मूला हम देखिए ये वाला अभी अभी हम अभी हम क्लोड करेंगे देखिए कैसे करेंगे देखिए देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे नहीं इक्वल टू क्या था था आपको फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इसके बाद पावर में कहता वन बाय एन पावर में वन बाय एन एन कितना हुआ देखिए यहाँ पर देखिए कितने साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया सिक्स इयर्स के लिए देखिए देखिए कैसे काउंट करोगे देखो फिफ्टीन टू सिक्सटीन सिक्सटीन टू 17 सेवनटीन टू एटीन एटीन टू नाइनटीन नाइनटीन टू ट्वेंटी 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 वन यानी कि सिक्स ईयर में एंड में जाके आपने है यानी कि छः साल के लिए ठीक है एंड देन माइनस वन अच्छा एक और ब्रैकेट आएगा दैट इट देखिए कंपाउंडेड आपका एवरेज रिटर्न कितना दैट इज टेन पॉइंट टू नाइन परसेंट अब आप इससे आपको एक एवरेज फिगर मिली देखो हर साल आपको अगर बोले कि भी एक साल मुझे पंद्रह परसेंट मिला फिर आठ परसेंट फिर एक माइनस भी चला गया फिर प्लस भी, भी चला गया तो आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही अब आपको कंपाउंडेट बता दिए कि आपकी कंपाउंडिंग के हिसाब से आपकी एवरेज ग्रोथ कितनी दैट इज़ ट्वेंटी टेन पॉइंट टू नाइन परसेंट ठीक है 20, uh, तो जब भी आपको कोई बोले कि आज तुम, तुम इतना इन्वेस्ट करो एंड इन फ्यूचर में आपको इतना अमाउंट मिलेगा तो जब भी आपको ऐसे कभी कभी, कभी कोई बोले तो पहले आप सी ए जी आर गल्ड करो उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि क्या वो फ्रूटफुल है या नहीं है ठीक है देखिए ये मैं आपको सब क्यों बता रहा हूँ कि देखिए लाइफ में अब जो है फाइनेंशली लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है कई बार कहता है लोग लाइक अपने बिजनेस में या फिर काफ़ी और भी देखिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ होती हैं जिसमें आप काफ़ी ऑक्यूपाइड रहते हो ठीक है बट लोग कई बार ठीक है अच्छे पढ़े लिखे होते हैं बट हो, कई बार वो छोटी छोटी चीज़ों को जो है नहीं समझ पाते हैं। तो आज के टाइम में देखिए फाइनेंशियली लिटरेट होना बहुत जरूरी है ठीक है सो सी ए जी आर इज़ बेसिकली गिव यू अ ट्रू वैल्यू सो दैट यू कैन टेक डिसीजन एज पर योर कन्वीनियंट ना कम टू पार्ट ऑफ एक्स आई आर आर देखिए अगर आपने यहाँ पर अच्छे से शीट देखी हो तो जो मैंने आपका सी ए जी आर किया वो आपका यहाँ पर आपका अप्लाई होता है आपने एक बार इन्वेस्ट किया ठीक है और आपको बाद में इतना मिला और आपके कंपाउंडिंग मिलेगा ठीक है अब अगर बात है एक्स आई आर आर ये बेसिकली हेल्प करता है एस आई पी में ठीक है देखिए एस एक्स आई आर आर एंड द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोथ आर सारी एक्स आई आर आर एंड द आई आर आर बहुत सारी इक्वलेंट अभी एक्स के कुछ नहीं है जब हम आई आर आर को एक्सेल में कैलकुलेट कर करते हैं तो उसको एक मतलब जब ये डेवलप हुआ एक्सेल में तो एक्स आई आर नाम होगा तो This is same. पहले मैं आपको बता देता हूं कैसे कैलकुलेट करना सिंपल है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय यू ट्वेंटी थाउजेंड एंड द लास्ट अमाउंट कितना मिला थ्री लाख रुपीस कोमा एंड दब को टर देखिए है गैप है डेटा वह समझ लेते हैं आप एवरी मंथ जो है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो ठीक है कितना हुआ देखिए थर्टीन टाइम्स हुआ देट मीन्स ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय थर्टीन दैट इज कितना इन्वेस्ट किया आपने टू लैख सिक्सटी थाउजेंड मंथली आपने इन्वेस्ट किया एंड वो आपके जो है फोर्टीन मंथस में जाके आपको कितना मिल रहा है रुपीज़ थ्री लैख तो उसके साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपका रिटर्न कितना होगा देखिए आप अगर ध्यान से देखो देखिए जितना आप जब जब, जब आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उस सब उस सबका उस सबका जो है होल्डिंग पीरियड होल्डिंग पीरियड जो अलग होगा देखिए जो फर्स्ट ट्वेंटी थाउजेंड था उसका होल्डिंग पीरियड कितना होगा फोर्टीन मंथ्स फिर थर्टीन मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स एलेवन मंथ्स टेन मंथ्स तो टाइम पीरियड कम होता रहेगा और जितना टाइम पीरियड कम होगा उसके हिसाब से अगर आपका रिटर्न पॉजिटिव है तो वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा आपका यानी कि सबसे ऊपर वाले का जो होगा उसका रिटर्न कम होगा एंड जो लास्ट वाले का जो होगा उसका रिटर्न ज़्यादा होगा ठीक है so, सो उसके हिसाब से सबका रिटर्न जो है एक एवरेज चीज़ होता है कि आपको कंपाउंडिंग आपको जो है रिटर्न कितना है, एक एवरेज रिटर्न कितना मिला अगर आप अच्छा ये मैंने एग्जाम्पल अभी सिर्फ इस तरह से लिए ताकि आपको समझ आ जाए कि आप जो है एक फिक्स अमाउंट जो है मंथली आप इन्वेस्ट कर रहे हो थ्रू एस आई पी ऑन म्यूचुअल फंड से रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है एंड आप जो है आपने थर्टीन मंथ्स के लिए गया एंड फोर्टीन मंथ्स में आपने जाकर इसको रिडीम कर लिया ठीक है तो आपको कितना मिला थर्टी थ्री लैख रुपए सो एक्स आई आर देख कुछ नहीं करना आपको इक्वल टू एक्स आई आर आर जितना आपने इन्वेस्ट किया पूरे आप सबको सेलेक्ट करो कोमा फिर सब डेट को सेलेक्ट करो आपका आवाजेगा एक्स आई आर अमाउंट इसको परसेंटेज में देख लेते हैं ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री जीरो ठीक है अब देखिए आपने देखा होगा आपके घर में देखिए आपके बड़े या हो सकता है अगर आप भी कहते कमेटी में बहुत लोग जो है कमेटी में पैसे डालते हैं तो कई बार ये नहीं पता होता कि इसमें रिटर्न कितना मिल रहा है तो उसमें भी आपकी हेल्पफुल है मान लीजिए आप बीस बीजार की हर साल भाई कमेटी डाल रहे हो चाहे कितने मंथ्स की हो सिक्सटी मंथ्स की हो या ट्वेंट तु, कहते ट्वेंटी मंथ्स की हो तो उसके हिसाब से आप ट्रेव्यूट कर सकते हो इजीली दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ एक्स आई आर आर ठीक है सो सी ए जी आर है एक लमसम अमाउंट में आपको एक एवरेज रिटर्न देता है एंड एक्सआर में जब आप मंथली अमाउंट अच्छा ये ये फिगर ज़रूरी है कि हर बार इक्वल हो देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैं ट्वेंटी थाउजेंड माइनस में है ये मेरे से माइनस में क्यों लिखा हुआ है क्योंकि ये आपका आउटफ्लो अमाउंट है और थ्री लाख आपका इन फ्लो अमाउंट है ठीक है तो जब पैसा आया तो प्लस में जब पैसा गया तो माइनस में ठीक है मान लीजिए इस टाइम में आपके दैट मीन्स ऑन नवंबर uh, में आपने कह रहा ट्वेंटी थाउजेंड इन्वेस्ट नहीं किया बल्कि ट्वेंट टेन थाउजेंड आपने रिडीम कर लिए तो उसके हिसाब से देखिए रिटर्न आपका ऐसे कैलू हुआ देखिए चेंज हो गया आपका रिटर्न ठीक है एंड मान लीजिए यही अमाउंट मान लीजिए इस टाइम आपने ज़्यादा कर लिया कितना फिफ्टी थाउजेंड कर लिया आपने तो देखिए ये रिटर्न जो है कम हो गया ठीक है ओबियसली देखिए आपने इन्वेस्ट ज़्यादा किया बट अमाउंट तो उतना ही मिला ठीक है एंड वही मान लीजिए आपने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया जीरो किया तो आपका रिटर्न देखिए बढ़ गया क्योंकि जो ट्वेंटी थाउजेंड कम ही हो गया भाई बट आपको पैसा उतना ही मिला था लाख और ठीक है तो उसके हिसाब से रिटर्न आपको ज़्यादा मिला ठीक है अच्छा मैं बोला था का अमाउंट ज़रूरी नहीं आपका हमेशा इक्वली हो कुछ भी हो सकता है मान लीजिए आपने यहाँ पर किया टेन थाउजेंड ठीक है यहाँ पर मान लीजिए आपने किया सिर्फ थर्टीन थाउजेंड ठीक है कुछ भी हो सकता है अमाउंट वेरी भी कर सकता है जरूरी नहीं इक्वल हो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया था तो आपके आपको ईजिली समझ आ जाए ठीक है सो so, ये था आपका हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड ठीक है आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल थैंक यू